So dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hello everyone. कंप्यूटर अवेयरनेस का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा। आज हम उसी से रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, यूज नेट। ऑप्शन बी आर्पनेट। ऑप्शन सी इथरनेट। एंड ऑप्शन डी इंट्रानेट। द करेक्ट ऑप्शन इज अर्पानेट। अर्पानेट द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET। क्वेश्चन नंबर टू, द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर इज। अभी हम ब्राउजर के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन अगले पार्ट में हम ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे। अब MCQ इसी तरीके से बनाए हैं, तो आप याद रख लेना। द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर इज, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मोज़ेक, ऑप्शन डी नेट कैफे, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी क्लोब्रा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा जो है मोज़ेक। मोज़ेक इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था पहले विंडोज़ में आता था, लेकिन जो अब लेटेस्ट विंडोज़ आ रही है, जैसे कि विंडोज़ 10 जो है उनमें नहीं आ रहा है, विंडोज़ 10 में MS Edge आ रहा है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे ब्राउज़र के बारे में, सारे सर्च इंजन के बारे में, इनके और डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो क्या होता है? इट वॉज नोन ए टर्मिनल सर्विस इन विंडोज सर्वर 2008 एंड अर्लियर। करेक्ट है। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। करेक्ट है। इज अ टेक्नोलॉजी डेट अलाउज यू टू कैरी योर कंप्यूटर इन रिमोट एरिया। ऐसी कोई बात नहीं है व्हाट इज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इससे ये नहीं सोच लेने का रिमोट एरिया में हम ले जाए अपने कंप्यूटर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डेट एलो यू टू सिट एट द क्लाइंट कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू द होस्ट रिमोट कंप्यूटर इन डिफरेंट लोकेशन। हम अपनी जगह ही बैठेंगे और हम रिमोट जो एरिया से उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड सी। इट इज नोन ए टर्मिनल सर्विस इन विंडोज सर्वर 2008 एंड अर्लियर। It is one of the component of Microsoft Windows. Second, a technology that allows you to sit at the client computer and connect to the host remote computer in different location. Question number 4, which of the following is required to create HTML document? HTML document के बारे में जब पढ़ाया था HTML, तो कहा था कि ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है। हम जानते हैं टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी इसे हमने इस एक्सरसाइज में रखा हुआ है। पूछा जाता है यूजुअली टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट क्या है, कि कौन सा सिस्टम है इंटरनेट? ऑप्शन ए बग्स, ऑप्शन बी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंटरनेट है इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटर से हम पता है इंटरनेशनल है, और नेट से नेटवर्क है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहो या इंटरनेशनल नेटवर्क कहो। WPA इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूज फॉर What type of connection? WPA बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूज फॉर व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन। हम जानते हैं किसके लिए यूज होता है, ये वाईफाई के लिए यूज होता है। हम सारे वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, पता ही होगा सारों को इसके बारे में, WPA के बारे में। इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूज फॉर वाईफाई कनेक्शन। ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग।
Question number 7. A proxy server is used for which of the following? To provide security against authorized user, बिल्कुल करेक्ट है. To provide client requirement for web pages. To provide client request for database asset. To provide TCP and IP. तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ही होगा. A proxy server is used for to provide security against authorized user. What type of language is HTML? HTML के बारे में हम पढ़ चुके हैं किस टाइप की ये लैंग्वेज है. ऑप्शन ए स्क्रिप्टिंग बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए ही होगा आंसर स्क्रिप्टिंग. HTML इज अ स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर. तो इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल जो है वो वेब ब्राउजर की नहीं है. तो ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विंडोज 10 पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लेटेस्ट विंडोज है. हम जानते हैं जो एज है, एज जो अभी मैंने कहा एमएस एज, वो विंडोज 10 में आ रहा है. वेब ब्राउजर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ठीक है. सफारी के बारे में भी सारे जानते होंगे, एप्पल में यूज हो रहा है, और गूगल क्रोम के बारे में भी जानते हैं. तो ऑप्शन जो होगा वो आउटलुक होगा. आउटलुक इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट पास्ड बाय द टिपिकल वेब ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 10. तो पीरल PERL पीरल इज नॉट पास्ड बाय द टिपिकल वेब ब्राउजर. XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मेकअप लैंग्वेजेस. Extensible Makeup Languages. तो यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए. नेक्स्ट पार्ट में हम ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे. जो भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए थे कुछ ब्राउजर के भी, और इंटरनेट और ब्राउजर दो ही हमने क्वेश्चन इसमें लिए थे. तो अगले पार्ट में हम ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्राउजर से रिलेटेड और क्वेश्चन जो है वो करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.